हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज फिर मैं तैयार होके समाली के गांव की तरफ चल पड़ी हूँ। और टाइम की बात करूँ तो 1 बज रहा है। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, कंफर्टेबली नहीं हो चलने में ना ही वीडियो बनाने में। चलो मैंने सोचा फिर वीडियो थोड़ी सी बना ही लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ ऊपर तक स्टेट बैंक तक जा रही हूँ, वहाँ से गाड़ी में जाऊँगी। तो मेरे पास ये सामान था, थोड़ी सी, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही है, चला भी नहीं जा रहा। मैं कहीं यहाँ ऊपर तक ले जाती हूँ, नहीं तो यहाँ से विकास नगर से बहुत कंजस्टिंग है रोड, फिर जाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं ऊपर तक ही जा रही हूँ। तो मेरे पास ये कालीन वगैरह है ना, तो यहाँ रूम में बहुत सारी ले रखी है। तो जैसे जैसे मैं घर जाती हूँ तो एक एक दो दो अपने साथ ले जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बेड बॉक्स पूरे फुल ही हो गए हैं सामान से। तो मैंने सोचा मैं कहा क्यों नहीं एक एक दो दो घर की तरफ ले चलते। गाइस मैं तो यहाँ सड़क में पहुँच गई हूँ, पर वो अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे इस तरह का मौसम हो रहा है, अब तो बारिश होने लगी है और मैं यहाँ पे वेट कर करके थक गई हूँ। तो तेरी दशा निकालूँ मैं आज, ऐसा है ना तेरे को, तू मैंने नीचे ही आना था। अब जाके पहुंचा है। तो अब हम अभी शिमला से चल पड़े हैं, टाइम 3 बज चुके हैं। तो तो नहीं
बेट बीट्स कॉलेज का व्यू यहाँ से एंट्रेंस है, बहुत ठंडी सी जगह में। मैं यहाँ पे ट्रैफिक में फंस गए हम, ये संजौली मार्केट। कहाँ पहुँचे हम? फागू। तो यहाँ है ना धुंध, देखो यहाँ पे हम फोटो कैप्चर कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्थ ठंड पहुँच गए, और इतनी ज़्यादा ठंड है ना यहाँ पे, बहुत ही। इन्होंने समान ले लिया ना, खेलो भी ऐसा कुछ, चलो चाय नहीं पीने ना, खेल यार पीने थर थोड़े पीने थर पीने जल्दी बोलो। अब हम यहाँ पे चाय पीने जा रहे हैं, हमारे को ठंड लगी है। मैं सामान ले लूँ उतने तक, सामान तो क्या, दूध लेना है और देख लो कहीं पे भी पीते हैं। खा देते पत्थर चाय। तो यहाँ नारकंड अभी इतनी ठंड हो गई है ना, तो हमने यहाँ पे चाय और पकौड़े खाए, हो गए चारों साइड कितना अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे हम हमने सामान मोल लिया, क्योंकि हमारी मेन मार्केट तो इससे आगे बागी भी है, पर नारकंड में यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाता है। तो मैं का सामान ले लेते हैं, फिर दूध वगैरह यहाँ से ही लेते हैं हम, फिर जगह जगह क्या रुकना। और मैं ऐसी आई ना, क्योंकि गांव में यहाँ पे मोटे कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा मैं पतले कपड़े ले जाती हूँ, फिर मोटे कपड़े घर से ला दूंगी। मरी गई ठंड से भाई। तो अब आपसे घर में मिलते हैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही है फोन को हाथ में पकड़ने की। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ चुकी है ना कि ड्राइव करना भी मुश्किल ही हो रहा है, सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको इसे दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे। लाइट ऑन कर दे भाई, दिख रहा है, दिख रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ, तो मैं क्या मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आज मौसम भी साफ़ है, तो मैं शाम को कोई वीडियो नहीं बना पाई, एक्चुअली शाम को टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि फिर डिनर भी बनाना पड़ा शाम को, रात को, शाम को तो क्या, रात को ही पहुँचे हम यहाँ 7-1 बजे। तो उसके बाद मैंने डिनर बनाया, डिनर में बस मैंने पीले चने बनाए और फिर चावल बना दिए फटाफट करके, तो उसके बाद सो गए, थक गए थे सफ़र करके। और मैं आपके एक बात पर, मुझे दांत में दर्द हो रही है, दांत में बहुत ज़्यादा, जब मैं गांव आती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं दर्द होती है, मेरे लिए छूट ही नहीं है, पर यह है कि आना तो पड़ता है। फिर अभी हमने खेत में स्प्रे करनी थी, खेत जाना था, तो आज मौसम तो साफ़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ पर चेरी की फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई, मैं यहाँ पर किचन की खिड़की खोल रही हूँ। डॉगी कैसे मांग रहा है रोटी।
इसको एकदम से पता लग जाता है ना कि हम आए हैं, तो एकदम से ऊपर को अपने पंजे डाल रहा है। तो ये गाइस बाहर का व्यू, थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई अभी, तो मौसम भी इस तरह की है, धुंध से भी आ रही है, पर हमें जल्दी अभी स्प्रे करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्प्रे करने आ गए, तो यहाँ पे देखिए हमारे पत्ते निकल गए हैं। तो हमारे अब लास्ट ही ड्रम बचा है, मैं यहाँ पे पाइप खींच रही हूँ और साथ में स्प्रे के पास भी जा रही हूँ, तो बिना स्प्रे करें। तो आजकल जैसे हरियाली हो गई है ना, तो इस तरह का खेत इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पे बिनु स्प्रे करें, थक गए हैं सुबह से लेकर ही हम लगे, बादल भी आ गए हैं यहाँ पर देखा इस तरह के। तो मैं यहाँ पे पाइप खींच रही हूँ, स्प्रे पड़ रही है फोन में। अभी हमारा यहाँ से नीचे को बचा है पूरा स्प्रे करने के लिए। आपने ना उल्टी ला दी पाइप, उल्टी ला दी पाइप यार। अब वापस आना पड़ना है इस पेड़ से ना। हवा चली आना जिसकी वजह से सारी दवाइयाँ वापस आ रही है, मेरे फ़ोन में पड़ रही है फेस में। इस धातु को बांधो ढंग से, तो मैं ड्रम के पास चली जाती हूँ। हमने यहाँ पे 3 ड्रम भर के रखे हैं ना, तो ऊपर साथ में पाइप जोड़ी, ऐसे जैसे ही ख़त्म होता फिर हम उसमें पाइप लगा देते हैं, पानी भरते रहते हैं। तो गाइस स्प्रे तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये अब शाम को इवनिंग का टाइम है, 6 बज गए हैं। तो हमारी स्प्रे तो 2:30 बजे कंप्लीट हो गई थी, तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी खाद मिलानी थी, तो हमने खाद मिलाने का काम शुरू किया 4 बजे से लेकर, तो हम अभी तक खाद मिला रहे हैं। एक कटा काम हुआ तो बिनु अभी खाद के लिए गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। हम यहाँ पे बस हमारा एक कटा ही रहता है अब खाद मिलाने के लिए, खेत का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। आज हम पूरा दिन काम में लगे हैं, संडे का दिन है। घर में तो ना गाइस काम कर करके ना ही निकल जाती है उफ, और यहाँ पे ऐसी ठंड, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, फिर हमने कंटिन्यू ही काम किया, हम रुके नहीं। मैंने जो एक कोट पहन रखा है ना, इतना वॉर्म है ना, बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब जैसे बारिश हो रही है, पर ये कि पूरा ही गीला हो रखा है। तो हमने बस ये कंप्लीट करना है, एक ही कटा बचता है। बिनु देखो यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं, किल्टे में ला रहे हैं, 25 किलो का कटा है, तो इतना भारी भी नहीं है। मैं मिलाने का काम कर रही हूँ और बिनु आगे आगे खाद डाल रहे हैं, तो बोलते मैं ही जाता हूँ, तुम थक गई होने। मैं सच में थक गई हूँ। अभी यहाँ ऊपर पहुँचे हैं, है? हाँ यहीं से करते स्टार्ट, फिर हल्का हो जाना नीचे की तरफ। तो ठीक है फिर गए, चलती हूँ, हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, नहीं तो रात हो जानी है।